हेलो गाइस, वेलकम अगेन अ फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ मोर व्हीकल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामा R15 वर्जन 4 के ऊपर, जो कि जस्ट कुछ दिन पहले ही लॉन्च कर दिया गया है यामा की तरफ से इंडिया में। ओबी से यामा ने पहली बार R15 को इंडिया में असेंबल करके इंडिया में पहली बार लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड आज इस बारे में हम जानेंगे यामा के कुछ ऐसे पॉइंट्स, R15 के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि इस बाइक को बेस्ट इन सेगमेंट एंड बेस्ट इन क्लास बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं वन बाई वन करके। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे इंजन। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 155 cc का लिक्विड कूल इंजन, जो कि एस सेम है वर्जन 3 के जैसा, बट पावर में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है। 18.2 PS का पावर आपको मिल जाता है यहाँ पे, और 14.2 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि 0.2 Nm ज़्यादा है वर्जन 3 के कंपेरिजन में। और इसमें आपको मिलता है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन विथ सुपर क्लच, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट पावर, बेस्ट इन सेगमेंट गियरबॉक्स एंड विथ सुपर क्लच आपको देखने को मिल जा रहा है इस बार। सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं अगर हम लुक्स, तो यहाँ पे आपको मिलता है यामाहा वर्जन 4 में R7 और R1 से रिजेंबल करता है लुक्स देखने को मिल जाता है। फ्रंटल लुक्स पूरा R7 वाला दे दिया गया आपको यहाँ पे, और साइड पैनल्स में थोड़ा बहुत R1 का टच यहाँ पे है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेगा तो ESD फोक्स, यानी कि अब आपको इसमें दे दिया गया है अप साइड डाउन सस्पेंशन, जो कि बाइक का राइडिंग डायनामिक्स एंड बाइक का हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया है। और यहाँ पे आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छा मिल जाता है और बाइक काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है प्रीवियस के मुकाबले। एंड अब आपको मिलता है यहाँ पे कुछ कलर्स ऑप्शन, जो कि आपको मेटालिक रेड है, डार्क नाइट, रेसिंग ब्लू, और एक और कलर ऑप्शन जो कि R1M नाम से है, और वो है मेटालिक ग्रे कलर, जो कि आपको R1M नाम से मिलता है, वर्जन 4M नाम से मिलता है। तो अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट कनेक्टिविटी मोबाइल ऐप के थ्रू, जिससे कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप अपने बाइक का सारा कुछ डेटा एक्सेस कर पाओगे, जैसे कि फ्यूल कंजम्पशन कैसा हो रहा है और मेंटेनेंस, लास्ट लोकेशन और मैल फंक्शन जैसा अदर फीचर्स आप अपने फ़ोन में देख सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। एंड इसके थ्रू आपका बाइक का राइडिंग और बाइक का मेंटेनेंस एनहेंस हो जाएगा और आपका बाइक कंटिन्यू मेंटेनेंस में रहेगा। और इसमें आपको मिलता है USB चार्जिंग ऑप्शनल वे में, और भी बहुत सारा कुछ फीचर्स ऐड कर दिया गया है। और जो आपको बाइक में जो डिस्प्ले मिलता था वो एस सेम है, बट इसमें कुछ एप्लीकेशंस और कुछ ज़्यादा फीचर्स बढ़ा दिया गया, जैसे कि एप्लीकेशन का, और यहाँ पर आपको मिलता है कॉलिंग का भी, जो है आप अपना बाइक चलाते हुए आप अपने डिस्प्ले में कॉलिंग भी आप देख सकते हो फ़ोन से कनेक्ट करके। तो ये कुछ फीचर्स यहाँ पे कुछ एडिशनल दे दिया गया है BS वर्जन 4 में। और प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाता है, बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है बाई फंक्शनल, जो कि ऑटो हेडलैम्प है, जो कि अंधेरे में अपने आप ऑन हो जाएगा और लाइट पड़ने पर ऑफ हो जाएगा। एंड इन पॉइंट के बारे में बात करें तो क्विक शिफ्टर एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, तो ये दो फीचर्स ऐसा है जो कि 150 cc कैटेगरी में जो पहली बार है, और इससे बड़ी कैटेगरी में बहुत सारी बाइक मिस करती है, बट यामा ने इस बार R15 वर्जन 4 में दे दिया है क्विक शिफ्टर, यानी कि आपको अब राइडिंग में अब आपको दिक्कत नहीं आएगा, आपका जो पावर लॉस है वो अब नहीं होगा क्विक शिफ्टर के थ्रू। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल तो इस सेगमेंट में ज़रूरत नहीं पड़ता है, इससे बड़ा सेगमेंट में जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी यामा ने दिया एज एसेसरी, एज अ फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो लेवल 2 का आपको यहाँ पर मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल। और बात करें क्विक शिफ्टर की, तो क्विक शिफ्टर यहाँ पे दो कलर ऑप्शंस के साथ आता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि है रेसिंग ब्लू और मेटालिक ग्रे। बाकी कलर ऑप्शंस जो यहाँ पे रेड और डार्क नाइट है, वहाँ पे आपको इसे एज एसेसरी लेना पड़ेगा। ये दो कलर ऑप्शंस के साथ यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है, वह एज एसेसरी आपको लगवाना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पे हम प्राइस के बारे में, तो प्राइस जो है आपको इसमें देखने को मिलता है 1.80 lakh से लेके 1.90 lakh, ये एक शोरूम वैरी करता है सिटी टू सिटी। एंड आपको ये एवरेज सिटी प्राइस में पड़ेगा ऑन रोड अबाउट 2 lakh 20 तक पड़ सकता है, 2.2 lakh तक जा सकता है, 2.20 lakh ऑन रोड। अब सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, ये आपको देख लेना पड़ेगा अपने सिटी के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। Stay safe, stay home. Thank you. Bye-bye.